ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಮನುಷ್ಯಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅದು चीज लगे पीछे वो क्या है वो आ रहा है आ तो यहां पे बेड़ा बेड़ा लगा मन तो की पूरा ना उतना साइज तो ना होने इसका छोड़ेगा ते दिख गए और अपा चीज नहीं रहा हुआ व्यवस्थित कर रहे हैं पूरी क्या कहा ये वो मैंने और ज्यादा फिर ये चीज कति बैठ जाएगी अल्लाह से ले भाई आ गया ले पता है ठीक है ना तो बार के ले हट एक लागे पीछे भी रख लेने बल की दिखे गए तो फिर ला लेना टेप टेप अगले लाइट तो ये है भाई फाइनल लुक ये कुछ इस तरह की लुक निकल के आई है और एक नंबर की जबरदस्त लुक लग रही है अट्रैक्टिव लग रही है बाइक जो गोल्डन सस्पेंशन आपको दिख रहे हैं फिलहाल इसकी वजह से जो है थोड़ी आई कैची लुक हो गई बाइक की और ये बीच में जो मैंने शॉकर इंस्टॉल किए हैं ये भी आपको एक बार वॉक अराउंड दिखा देता हूँ बाइक का ये साइड से लुक देखो आप पूरी लुक देखो बाइक की बिल्कुल एक नंबर की परफेक्ट वो लग रही है इसमें एक बार उस साइड से दिखा देता हूँ आपको ये देखो आप तो भाई ये बेसिकली कोई यूएसडी सस्पेंशन नहीं है ये मैंने पाइप का यूज़ करके और इसमें जो है डमी बनाई है यूएसडी सस्पेंशन की और बीच में ये जो आप देख रहे हो ये मैंने ये कवर शॉकर कवर ये रबड़ के आते हैं जो वो इंस्टॉल किए हैं इसमें तो ये है भाई प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया था सबसे पहले आपको क्या करना है ये पाइप लेना है आपको जितनी मोटाई आपको चाहिए उसके हिसाब से पाइप लेना है उसको फिर बीच में से कट करना जैसे आपने वीडियो में देखा होगा और पहले मेजरमेंट कर लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट कर लेनी है आपको कि पाइप कितना आपको लगेगा और ऊपर का पाइप कितना चाहिएगा आपको अगर आप नेकेड बाइक में कर रहे हो तो या कोई भी बाइक आपकी सस्पेंशन के हिसाब से आप अपनी मेजरमेंट कर लेना उतना पाइप लेके और बीच से उसको कट कर देना जैसे आपने वीडियो में पहले देखा हुआ और उसके बाद ये इसके ऊपर रैप किया और ये बेसिकली जहाँ से इसकी कटिंग वगैरह यहाँ से करनी पड़ेगी जहाँ भी कटिंग आपको लग रही है बाइक में करनी है वहाँ पर आप कटिंग कर देना बाइक की और ये आसानी से इंस्टॉल इसमें हो जाएगा तो इसमें टोटल मेरा खर्चा कितना है भाई तो 90 रुपये के तो ये मैंने परचेज किए थे शॉकर कवर और 100 रुपये का 85 रुपये का मैंने बेंड पाइप कट वो लिया था परचेज़ किया था तो यही मेरा इसमें कॉस्ट आया और 5 रुपये की एल्फी क्योंकि मैंने ये जो कव ये शॉकर कवर ये कट करके साइड से और बाद में वापस चिपकाए हैं मैंने ये पूरा सेटअप नहीं खोला ऊपर से ये डायरेक्टली मैंने इसमें कट करके चिपका दिए हैं तो ये देख लो भाई आप 200 रुपये मान के चलो तो उसमें आपको कुछ इस तरह की लुक मिल जाएगी आपको और अगर ये फेयरिंग वाली बाइक होती मेरे पास या अगर आपके पास कोई फेयरिंग वाली बाइक है उसमें आप यूएसडी सस्पेंशन की या डमी इंस्टॉल करना चाहते हो तो भाई उसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा फेयरिंग के अंदर जो है ये जो गैप है ना ये शॉकर का ये सस्पेंशन का जो ये गैप होता है वो उसमें कवर हो जाएगा और नीचे से ये ऐसे ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा और उसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये डमी है या फिर ओरिजिनल है एक R153 में एक भाई ने जिससे मैंने ये करवाया ये देसवाल डेकोरेशन खरगोदा भाई अगर कोई आसपास से है खरगोदा के आसपास है तो वहाँ पे आप करवा सकते हैं ये काम अगर करवाना चाहते हो तो उस भाई ने अपनी V3 में इंस्टॉल कर रखे हैं उसमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है
तो ये कुछ इस तरह की लुक है भाई। सारी मैंने प्रोसेस आपको बता दी कैसे क्या करना है, मेजरमेंट लेनी है और ऊपर से रैप कर रखा मैंने गोल्डन का और एक क्रोम का। आप अपने हिसाब से ब्लैक करना चाहो तो ब्लैक कर लो, गोल्डन करना चाहो तो गोल्डन कर सकते हो। तो भाई प्राइस भी बता दिया मैंने, कैसे क्या करना है सारी चीज़ बता दी, और किस टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो चाहिए कमेंट करके मैंने ज़रूर बताइए भाई। और चैनल पर नए होता चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो और वीडियो लाइक कर दियो।